हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद फोकस PYQ। आज हम MSc जूलॉजी में ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, जो कि एक मोल बायो का टॉपिक है, वो डिस्कस करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स क्या होता है। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे प्रोकैरियोट्स का, फिर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होती है वो देखेंगे, प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखेंगे। जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है वो तीन तरीके से होती है, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। तो सबसे पहले हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या होती है वो देखते हैं। DNA से RNA बनने की प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसमें एंजाइम यूज होता है, वो RNA पॉलीमरेज होता है। RNA के जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं, जिसको प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल होती है, 5 से 3 एंड प्राइम होता है, मतलब कि बोले तो एन टर्मिनल से सी टर्मिनल तक। फिर ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स में हम ट्रांसक्रिप्शन होता है जेनेटिक बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन के। फिर प्रोकैरियोटिक जीन स्ट्रक्चर देखेंगे हम। इसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दो सीक्वेंस होती हैं। जो 5 प्राइम से होता है उसको अपस्ट्रीम बोलेंगे, और जो 3 प्राइम से होगा उसको डाउनस्ट्रीम बोलेंगे। फिर 3 सीक्वेंस होता है इसका। रेजिन प्रमोटर होता है, RNA कोडिंग होता है, और टर्मिनेटर रेजिन होता है। प्रमोटर रेजिन में क्या होगा, जो अपस्ट्रीम है सीक्वेंस को RNA की वो होंगी। फिर जो साइट होगी इंट्रैक्शन की RNA पॉलीमरेज RNA बनने से पहले, फिर जो लोकेशन होगी जहाँ से RNA ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा वो। फिर RNA कोडिंग सीक्वेंस में क्या होगा, जो कॉपीज होंगी RNA मॉलिक्यूल की वो ट्रांसक्रिप्ट कर जाएंगी। एंड टर्मिनेटर में क्या होगा, जो RNA बनने की प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी। अब इसके 3 स्टेप्स होते हैं, इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन में क्या होता है कि जो RNA बनने की प्रोसेस है वो शुरू होती है। सिग्मा फैक्टर होता है, वो बाइंड कर लेता है प्रमोटर से, सीक्वेंसिंग कर लेता है 10 टू 35 कोडोन्स की। फिर इसमें कोर एंजाइम्स होता है, सिग्मा फैक्टर होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, बट ये क्लोज होते हैं, तो इसको हम क्लोज प्रमोटर भी बोलते हैं। जो हलो एंजाइम होता है वो ट्विस्टेड होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA के अंदर, और जो ट्विस्टेड प्रमोटर होंगे उसको हम बोलेंगे ओपन प्रमोटर। जो RNA प्रोटीन है वो बाइंड हो जाते हैं प्रमोटर से, और जो सीक्वेंसिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर हम इलोंगेशन की बात करें, इलोंगेशन में कोर एंजाइम होते हैं, वो मूव कर जाते हैं, मतलब कि एक सिंगल स्ट्रैंड में बना लेते हैं और कोडोन जीन्स की फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसमें ट्रांसक्रिप्शन बबलिंग होता है, एक डबल हेलिक्स फॉर्म जो होता है और फॉरवर्ड होता है। फिर न्यूली सिंथेसाइज RNA DNA फॉर्मेशन RNA पॉलीमरेज की वो निकल जाती है। फिर टर्मिनेशन में क्या होता है, टर्मिनेशन में रो फैक्टर यूज होता है, और टर्मिनेटर फर्स्ट एंड सेकेंड। ये क्या है, एक हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेता है इसमें। तो टर्मिनेशन जो इंडिपेंडेंट टर्मिनेटर होता है, जो कि टाइप 1 होता है, इसमें ना जो RNA पॉलीमरेज है ना वो कंटिन्यूसली अटैच नहीं होता DNA से, डिसोशिएट हो जाता है जो RNA पॉलीमरेज है वो। फिर RNA मूव हो जाता है, इन्वर्ट उल्टा हो जाता है, और रिपीट करता है अपनी सीक्वेंस को, जो टर्मिनेटिंग सीक्वेंस है उनको। क्यों? क्योंकि इसमें रिपीटिंग अरेंजमेंट होता है। जो RNA सीक्वेंस है वो हेयरपिन लूप लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेता है, वो RNA बनने की प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। फिर रो सेकेंड होता है, जो कि सेकेंड टाइप का टर्मिनेटर होता है। इसमें सीरीज जी पुअर होता है, और ये हेयरपिन लूप लाइक फॉर्मेशन नहीं करता। इसमें सीक्वेंसिंग होती है वो अपस्ट्रीम होती है, और जो हेलिक्स होता है वो मूव हो जाता है अपने RNA पॉलीमरेज की लोकेशन से, और ये DNA को बाइंड कर लेता है, और RNA हाइब्रिड होता है वो ट्रांसक्रिप्ट रिलीज कर देता है, और जो RNA पॉलीमरेज है वो डिसोसिएट हो जाता है। इसमें कंक्लूजन और समरी आप देख लीजिए।